प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत दूसरा पाठ पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। यह पाठ कहानी विधा के अंतर्गत आता है और इसके लेखक कामता नाथ हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि किसी गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मनियारी का काम करता था। वह लाख की बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उस बदलू के गांव में लेखक का ननिहाल था। जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो लेखक अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाता था और बच्चे खेलते हुए जब बदलू के घर जाते थे तो वे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इस प्रकार लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था और बदलू काका लेखक को लाख की बड़ी सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था और इसके साथ साथ आम भी देता था। इस प्रकार समय गुजरता गया, लेखक बड़ा हो गया और कई सालों तक लेखक अपने ननिहाल नहीं गया। एक बार किसी कारणवश लेखक अपने ननिहाल गया तो उसने देखा कि यहाँ एक बदलू काका भी रहते थे, क्यों न उनसे मिला जाए। तो वे उनसे मिलने के लिए चले गए तो वहाँ जाकर लेखक ने देखा कि उस नीम के पेड़ के नीचे जहाँ बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, अब वहाँ पर न कोई भट्टी है, ना बदलू काका का कोई सामान है। बदलू काका बस उस नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मचिया डालकर उस पर बैठे हुए थे, साथ में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लेखक उनके पास गए और जाकर प्रणाम करके उनके पास बैठ गए तो लेखक ने बदलू काका को कहा कि आपने पहचाना? तो उन्होंने कहा नहीं पहचाना। तो लेखक ने फिर अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद बदलू काका लेखक को पहचान गई। तो उसके बाद लेखक ने बदलू काका से पूछा कि बदलू काका, आप लाख की बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाते थे, आजकल आपने वह कारोबार छोड़ दिया क्या? तो बदलू काका ने बड़े उदासीन भाव से उत्तर दिया कि नहीं लला, वह काम छोड़ा तो नहीं है, लेकिन आज मशीनी युग आ चुका है। मशीनों द्वारा बनाई गई कांच की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं, तो इस युग में भला मेरे द्वारा हाथ से बनाई हुई लाख की चूड़ियों को कौन पसंद करेगा? इस प्रकार कहते हुए वे थोड़े उदास हो गए। लेखक ने कहा कि लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर होती थी। उसके उत्तर में बदलू काका ने कहा कि हाँ सुंदर होती थी, लेकिन फिर भी आज मशीनी युग आ चुका है और लोग कांच की बनी हुई चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है या प्रेरणा दी गई है या बताया गया है कि किस प्रकार मशीनी युग के आने से जो छोटे छोटे उद्योग थे या जो छोटी छोटी दस्तकारी का काम छोटे गांव में होता था वह किस प्रकार समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, और मशीनी युग आने से किस प्रकार अनेक लोग बेरोजगार हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ें और एक सुंदर सा सुलेख जरूर लिखें। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।